हेलो एंड वेलकम टू प्रॉप नेशन। ये है NH58 और यहीं पर आपको मिल जाता है रैपिडेक्स का ये स्टेशन, और यहां से बहुत ही कम डिस्टेंस पर एक नया प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जो राजनगर एक्सटेंशन को एक नए स्वरूप में देखता है। बना हुआ है एक बिल्कुल मेन रोड पर, जो सबसे चौड़ी रोड है राजनगर एक्सटेंशन की, विद डिवाइडर विद सर्विस लेन ये रोड आपको मिलती है, और यहां पर काफी सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो चुके हैं। रेजिडेंशियल तो ऑलरेडी काफी सारा डेवलप है ही राजनगर एक्सटेंशन में। ये वो रोड है जो 45 मीटर वाइड है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ग्रीन और सर्विस लेन का सेटअप बना हुआ है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो आपको इसी बिल्कुल मेन रोड पर मिल जाता है, और ये है इसका नाम एजिस सिंबल टावर्स। यहां पर आज हम आपको एक 3 BHK विद स्टडी दिखाएंगे। इसका कारपेट एरिया 1045 स्क्वायर फीट है और 1865 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है। ये एक सैंपल यूनिट है। एंटर करने पर आपको एक फायर एरिया मिलता है। और साथ ही आपको यहां पर मिल जाता है ये स्टडी रूम। और ये राजनगर एक्सटेंशन का पहला प्रोजेक्ट है जहां पर आपको स्मार्ट होम्स बनाकर दिए जा रहे हैं। 3 BHK और 4 BHK की ही यूनिट्स आपको मिलेंगी यहां पर। इस स्टडी रूम के साथ में आपको एक विंडो एरिया मिलता है, और कुछ इस तरह के व्यूज आपको मिलते हैं इस स्टडी रूम के। यूनिट आपको ऑलमोस्ट इसी कंडीशन में डिलीवर होगी, बस जो मूवेबल आइटम्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये स्मार्ट लॉक आपको मेन एंट्रेंस पे मिल जाएगा, ताकि आप अपने घर को दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक्सेस कर सकें। ये इसका ड्राइंग वाला स्पेस है। इस ड्राइंग स्पेस के साथ में आपको एक बालकनी मिलती है, और बहुत ही अच्छी बात है इस यूनिट की कि यहां पर आपको सभी बालकनीज काफी अच्छी विड्थ के साथ में ऑफर की गई है। तो आपका लिविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेन रोड की ये प्रॉपर्टी है, तो यहां पर आपको काफी अच्छे वाइड व्यूज मिलेंगे, और उनको एंजॉय करने के लिए आपको काफी अच्छी साइज की बैल्कनीज यहां पर अवेलेबल हैं। और कुछ इस तरह से आपको यहां पर डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, और आप देख सकते हैं कि किचन की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर मैनेज्ड है। सामने आप देख सकते हैं एल शेप वर्किंग प्लेटफॉर्म वाली किचन, और इसके साथ में आपको एक यूटिलिटी बालकनी यहां पर मिल जाती है, जहां पर आपको वॉशिंग मशीन या फिर डिश वॉशर जो भी आप लगाना चाहें उसका प्रोविजन मिल जाता है। और किचन में आप देख सकते हैं सामने राइट हैंड साइड पर आपको रेफ्रिजरेटर के लिए भी स्पेस बनाकर दिया गया है। किचन की साइड से यदि आप इस डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया को देखते हैं, तो कुछ इस तरह के व्यूज आपको मिलते हैं। यहां पर आपको कॉमन वॉशरूम और 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस कॉमन वॉशरूम पर। यहां पर आपको सेंसर बेस्ड लाइट्स मिलती हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही आप यहां से बाहर जाते हैं तो लाइट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है। वॉशरूम्स आपको बिल्कुल इसी तरह से डिलीवर किए जाएंगे। वॉल माउंटेड फिटिंग्स के साथ में आपको ये वॉशरूम्स डिलीवर किए जा रहे हैं। ये इस यूनिट का फर्स्ट बेडरूम है, और आप देख सकते हैं कि बेड लगाने के बाद भी आपको यहां पर डिसेंट साइज का स्पेस आपके लिए मूविंग के लिए बचता है। इस बेडरूम के साथ में आपको एक अलमीरा और एक अटैच्ड बालकनी मिलती है, जो शेयर्ड है एक और बेडरूम के साथ में भी।
बट विड्थ वाइज ये भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी आपने ड्राइंग हॉल के साथ वाली बालकनी देखी है। इस तरफ आपको मिलता है इसका सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम के साथ में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, एक अलमीरा और वो शेयर्ड बालकनी जो आपने अभी फर्स्ट बेडरूम के साथ में देखी है उसका एक्सेस भी आपको इस बेडरूम के साथ में मिल जाता है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बेड लगाने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस आपके लिए बचा हुआ है। ये है इसके साथ में मिलने वाला अटैच्ड वॉशरूम। और ये प्रोजेक्ट माइवन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाएगा। आपको यहां पर काफी अच्छी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और काफी अच्छी फिट फिनिश मिलने वाली है। यहां पर आपको मिल जाती है ये बालकनी। इसको अब एक बार डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। काफी अच्छा साइज है इस बालकनी का। सभी जगहों पर मॉड्यूलर स्विचेस, यूपीवीसी के डोर्स, काफी अच्छे व्यूज आपको यहां से मिल जाया करेंगे फ्यूचर में। इन दोनों बेडरूम्स के बाद आइए अब देखते हैं इस यूनिट का मास्टर बेडरूम। यूनिट्स आपको ऑलमोस्ट इसी कंडीशन में डिलीवर की जाएंगी, बस जो मूवेबल आइटम्स हैं वही यहां से रिमूव किए जाएंगे, बाकी पूरी यूनिट आपको ऑलमोस्ट इसी तरह की डिलीवर होने वाली है। और ये मास्टर बेडरूम काफी डिसेंट साइज वाला है। इसके साथ में भी आपको एक अलमीरा, एक अटैच्ड वॉशरूम और एक सेपरेट बालकनी मिल जाती है। ये है इसके साथ में मिलने वाला अटैच्ड वॉशरूम जो साइज वाइज बहुत ही इंप्रेसिव है। और यहां पर आपको स्मार्ट शावर पैनल भी मिलता है। सेलेक्शन ऑफ मटेरियल भी काफी अच्छा है यहां पर। लोकेशन वाइज ये बिल्कुल नजदीक है उन सारे स्कूल्स के जो राजनगर एक्सटेंशन में बने हुए हैं। काफी प्रोमिनेंट स्कूल्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, काफी सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी सुविधाएं आपको यहां पर रहते हुए मिलने वाली हैं। ये है इस मास्टर बेडरूम के साथ में मिलने वाली बालकनी। एडिक्वेट साइज आपको यहां पर भी दिया गया है। और जो पीछे आप ये बैकड्रॉप में लगे हुए पिक्चर्स देख रहे हैं ये एक्चुअल में बिल्डिंग्स का एलिवेशन है। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में दिखेगा। GDA से अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट, यूपी रेरा में रजिस्टर्ड है। होम लोन्स भी आपको यहां पर इजीली मिल जाएंगे। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहले एक दूसरे नाम से बन रहा था, उसकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्क्रीन पर इस यूनिट का स्टार्टिंग बेसिक प्राइस है। कुछ इस तरह से यूनिट ये कंप्लीट हो जाती है। ये इस फ्लैट का यूनिट प्लान आपके स्क्रीन पर है। 3 BHK विद 3 वॉशरूम और साथ में एक स्टडी रूम भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए। और यदि आपने ऐसा पहले ही किया हुआ है तो आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।